हाय गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो मैं आज आप सबके लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। आज मैं अपनी रियल लाइफ दिखाती हूँ कि मैं कैसे रहती हूँ और कैसे खाना बनाती हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया है दोस्तों आप लोग को, तो मैं आज सोची कि मैं आप लोग को रियल में ही दिखा देती हूँ क्योंकि मैं कैसे रहती हूँ, कैसी मेरी ज़िंदगी है जो आप लोग को आज मैं शेयर करूँगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा किचन है और ये देखिए ये चूल्हा है और कढ़ाई में लगा। देखिए मैं देखिए चूल्हा पे रख दी हूँ पकाने के लिए और मैं इसी पे खाना बनाती हूँ। ये देखिए भिंडी काट दी है और आटा में सान रखी हूँ, भिंडी का सब्जी रोटी बनाऊँगी दोस्तों। और ये देखिए मैं, चलिए मैं खाना बना रही हूँ और ये देखिए मैं भिंडी डाल दी हूँ चूल्हे पर और इस तरह से। एक हाथ में मेरे पास मोबाइल है दोस्तों और दूसरी तरफ मैं बायां हाथ से पका रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ट्राईपॉड नहीं है, ना ही कोई मेरे पास माइक है, तो मैं पूरे मोबाइल से ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसी तरह से मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ दोस्तों। यह देखिए मैं कितना मेहनत करती हूँ, एक हाथ में मोबाइल लेके दूसरे हाथ से बनाती हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है तो बनाना ही पड़ता है दोस्तों। हर कोई की लाइफ में ज़िंदगी अलग अलग है, सब लोग अपना ज़िंदगी जीने चाहता है, सब अपना आगे बढ़ना चाहता है, सब चाहता है कि मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं। फाइनली दोस्तों मेरा सब्जी तो पक गया है, तो अब चलते हैं हम रोटी बनाएंगे जल्दी सा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो मैं रोटी पकाना स्टार्ट करती हूं दोस्तों और मैं मोबाइल को एक ईंटे के सहारे रख दी हूँ। मैंने बहुत मेहनत से ईंटे को सरिया सरिया के वहाँ पर खड़ी करके रखी हूँ मोबाइल को, और इस तरह से मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे भी मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं तो फैमिली से अगेन जाके बनाती हूँ, तो मैं फैमिली से अगेन जाके बनाती हूँ दोस्तों, आप लोग को पता चल गया होगा। और क्योंकि मैं फैमिली से बताती भी नहीं हूँ, मैं छुपा छुपा कर मैं ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि बहुत डरते हैं, बोलते हैं गाँव में आप लोग जानते ही, सब बोलता है क्या करता है नहीं करता है, तो मैं खुल के नहीं बना पाती हूँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम लोग को मनोबल बढ़े, ताकि सब लोग गांव में विकसित हो और सब लोग को लगे कि हाँ सही है, बनाना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। गांव का आदमी लोग सोचता नहीं है सब दोस्तों, क्या करें समझ में नहीं आता है, लेकिन ज़िंदगी है, जीना ही पड़ेगा। और चलिए दोस्तों मैं रोटी बना ली और ये देखिए मेरा लाडू है, इसका नाम लाडू है और मेरा बेटा नाम इसका लाडू रखा है। बहुत शरारती है, बदमाशी नहीं करता है पर बहुत अच्छा है, इसको जो खिलाएगा सब खा लेगा। ये देखिए इसे सटाइया एकदम चाटने लगेगा, इसको मत पूछिए। हम लोग हट जाते हैं तो पूरा चिल्लाने लगता है, हम लोग को बहुत अंगू है और हम लोग के साथ ही रहता है ये देखिए दिन भर मेरा बेटा इसी के साथ खेलते रहता है दिन भर। ये देखिए इसको चाउमीन खिला रहा है, झट झट देखिए खा लेगा क्योंकि इसको भी बहुत मन लगता है, ये भी बहुत अंगू है इसका। ये देखिए इसको हाथ देगा हाथ चाटेगा, बदमाश है बहुत। ये देखिए दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों हमने जो मेरा था मैं सब चीज़ दिखा दिया, मैं अपनी रियल लाइफ भी दिखा दिया। प्लीज़ दोस्तों मुझे भी सपोर्ट करिए जैसे सबको सपोर्ट करते हैं, और मैं ज़्यादा क्या दिखाऊँ, यही है मेरी ज़िंदगी में। कभी मैं होम और मैं खाने के लिए आ गई दोस्तों, ये देखिए मैं खाना ले ली हूँ और मैं खाने जा रही हूँ दोस्तों। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।